उत्तर प्रदेश के जनपद फैजाबाद में आज 9 अप्रैल को जनपद फैजाबाद में संपन्न हो रहे MLC मतदान को सफल एवं निष्पक्ष कराने के दृष्टिगत जनपद को 5 जोन 9 सेक्टर में विभाजित किया गया, जिसमें कुल 9 पोलिंग बूथों पर मतदान होना है। मतदान को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के मद्देनजर जनपद को 2 कंपनी BSF व 2 कंपनी PSE बल उपलब्ध हुआ है। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर निर्वाचन आयोग के मानक अनुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद आशीष तिवारी में भारी पुलिस बल के साथ तहसील सुखावाद परिसर में स्थित मतदान केंद्र का भ्रमण किया गया। साथ ही मतदान केंद्र पर लगे केंद्रीय पुलिस बल व PSE बल एवं अन्य चुनाव से जुड़े अधिकारी कर्मचारी गणों से वार्ता कर मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं हमारे SKH न्यूज चैनल के टीम ने कस्बा एकानार की टूला चुकावा जसाना सिसागंज एवं सदर तहसील फैजाबाद में भ्रमण करते हुए SP श्री मुकेश चंद ने बताया कि सदर तहसील परिसर में चुनाव निष्पक्षता से किया जा रहा है। वहीं नगर विधायक मनीष सजीजा ने अपना वोट डालने के बाद जानकारी देते हुए बताया कि विपक्षी दल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारी मोदी योगी सरकार ने फैसला लिया है कि भाजपा का प्रत्याशी MLC होगा। वही भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश संखवान ने बताया कि MLC वोटर नहीं सपोर्टर हूं। आज हमारे तहसील परिसर में बड़ा ही निष्पक्षता से चुनाव किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों का किसी भी तरह का आंकड़ा नहीं दिख रहा है। देखिए फैजाबाद से सौरा सिंह जिला संवाददाता की रिपोर्ट SKH न्यूज। प्रत्येक राज्य के मतदाता भारतीय जनता पार्टी की नीति के आधार पर चलने वाली सरकार और प्रतिनिधियों को वोट पर रहा है। ये श्री राम भैया ये भी बात विशेष कर स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों लोकतंत्र की यह पहली सीढ़ी, ये पहली सीढ़ी वो होती है जो हर सरकार की हर योजना को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम करती है। इसमें प्रधान है, इसमें DDC है, इसमें जिला पंचायत सदस्य है, इसमें सभासद है, सांसद है, इसके बाद चेयरमैन और सब और ऊपर विधायक वगैरह हम सब लोग तो हैं। लेकिन जो लोकतंत्र का पहला सबसे महत्वपूर्ण फायदा जिसमें कि जनता के विकास के लिए हर योजना जमीनी स्तर पर लागू होती है, वो सारे प्रतिनिधि भी इस बात को समझ रहे हैं कि किस सरकार के नेतृत्व में जनहित का काम होता है और जनहित का काम करते समय कौन सी ऐसी सरकारें हैं जो न जाति को देखती हैं, न धर्म को देखती हैं, न अपना पराया देखती हैं। सबको केवल एकमात्र जो चॉइस है वो रहती है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे आज SKH ने भ्रमण किया तो देखा है, कई बूथों पर जाकर के हमने देखा, ब्लॉकों में देखा, तो पार्टियों के दल दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा है कि अन्य पार्टी कहकर तो आप एक विशेष दल का बचाव कर रहे हैं। मैं राजनीतिक तूतू में मैं तो विश्वास करता नहीं। अन्य पार्टियां तो सब सरापा से चुनाव लड़ी रही हैं। वे जो सबसे ज़्यादा हुड़दंग करते थे वो उनका हुड़दंग नहीं चल पा रहा। 7 तारीख को चुनाव बंद हुआ। EVM मशीन में वोट तो भाई साहब कांग्रेस के भी थे, वोट तो बसपा के भी थे, भाजपा के तो थे, सपा के भी थे, आप पार्टी के भी थे। तो 7 तारीख को मशीनों के मालिक जी बन बैठे, DM SP ADM DM ऑब्जर्वर सबकी तलाशी के लेते रहे। आपकी कैमरे की आंखों ने इसको बहुप्रचारित बहुप्रसारित किया। ऐसा कभी नहीं होता है। एक पिता के अगर 5 बेटा हैं तो एक बेटा कैसे वो खजांची बन जाए, वो भाई तो चाहिए खजांची वो बने हो। केवल यही वजह से कि बाकी लठ में जरा ज़्यादा दम है, तो वो लठ में दम जो था वो निकल गया। योगी जी ने सबका सम्मान किया, सबका सम्मान किया तो प्यार के आधार पर सब बंध गए। तो लट के आधार पर बंधे हुए लोग प्यार के वशीभूत होकर उस छाया से दूर हो गए। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए पहली बार मैं चुनाव में देख रहा हूँ। मैं तो 20-22 साल से चुनाव की राजनीति में हूँ।
लोहा देहरादून हरिद्वार मंसूरी जाने कहाँ कहाँ से बसें आती थी, कितना बवाल होता था, सब लोग प्यार से वोट डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं, हम लोग तो आराम से बैठे। ये थे सदर प्रत्याशी मनीष अरियल साहब पहचान है, लाठी में कम है वो किसी की। अजी अगर वोटर नहीं सपोर्टर हैं, महानगर अध्यक्ष राकेश अंगवाल से बात करूँ, सर किस तरह चुनाव? पूर्व वोटर है, पूर्व वोटर। आज वोटर नहीं सपोर्टर है आपने बोला था। मैं वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जो MLC का वोट नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पूरे दमखम के साथ इस बार शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। माननीय मोदी जी और योगी जी का जो विकास का रथ है, उस विकास के रथ में एक पहिया विजय सिवरे जी के रूप में आज लगने वाला है। वोटर अपने आप आ रहा है, आप देख रहे होंगे, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वोटर दिखाई दे रहे हैं। बाकी के जो दल थे हड़दंग कर देते हैं, जैसा विधायक किया आस पास में ही। पिछली बार जब चुनाव हुआ था, क्या भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य दल के प्रत्याशी ने नामांकन कर पाया था? नहीं कर पाया था, केवल हड़दंग करते थे, बदमाशी करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी जी मोदी जी की, नामांकन करने का भारतीय जनता पार्टी सभी वोटर केंद्र सरकार में दोनों सरकारियों की नीतियों के कारण जनता प्रभावित होकर हमें ऐसे करने का मौका नहीं मिलो ऐसे करेंगे। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मन बनाकर वोट डालने का काम बहुत बढ़िया है। ऐसे नहीं, और मेरा मानना है ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केवल कोई ऐसा नहीं कि हमारा कोई दबाव पुरानी सरकार के आतंक के कारण, समाजवादी पार्टी के नीतियों के कारण, समाजवादी पार्टियों ने जिस तरीके से हमला वोट आई निकली उससे दुखी होकर आज मतदाता ने निर्णय लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय सिंह को आगरा फिरोजाबाद वो जनता से ही रहनी था, वोटों से रहनी था, सामने कैसे करेंगे? उनका कोई आधार नहीं, उनका कोई लेखक था, उनकी ना कोई नीति ना इसी में समाजवादी पार्टी जनता के बीच में आकर कम नहीं है। वो यार 17 से पहले या जब तक उनकी सरकार नहीं, उन्होंने जनता के हित में ये कोई अच्छा काम करने का काम किया हो। आपने वोट डाला तो कोई दिक्कतों का सामना नहीं है? वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं? व्यवस्था है क्या है? क्योंकि मतदान यहाँ पर बड़ा ही शांतिपूर्वक पूरे फिरोजाबाद में चल रहा है, और मैं और DM साहब यहाँ शुक्रवार में आज सभी भ्रमण करने आए हैं। इसमें 5 जोन और 9 सेक्टर में पूरा जनपद जो है उसको बांटा गया, जिसमें 9 पोलिंग बूथ हैं और लगभग 1600 मतदाता है हमारे। तो इनको देखते हुए पूरी फोर्स को ब्रीफ किया गया था। 2 कंपनी BSF भी लगी हुई है, हर एक पोलिंग बूथ पे इलेक्शन कमीशन का मानक है उसके अनुसार CPMF भी लगी हुई है, PSA भी लगी हुई है और सिविल पुलिस भी लगी हुई है। हमारी टीमें लगातार चक्रमण कर रही हैं और पोलिंग बूथ शांतिपूर्वक चल रही है।